एक बादशाह था। बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4-5-6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है वो, ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे कुत्ते, तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की। लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई ये तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके जहन में आई, वो जो पिंजरे कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता, तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूं, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूं। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को बात अच्छी ना लगी, अच्छी ना लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में, सारी जिंदगी यहां रहा इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। तब उठा के पिंजरे में डाला ना तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते वो उसके पैर चूमने लगे, वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है, तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता ना बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले, तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया, इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है मेरे वफादार हो गए, चंद महीने रोटी। जिना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ओना थी चंगे, जिना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ओना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं तू राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100-100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, पावे मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना, एक बुरकी दा कदर पछानन पावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए।
मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा मुजक्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो एक बंदा आ गया सूफी मेरी तरह पगड़ी शगड़ी बांधी हुई जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। जितने फितने आज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जुबों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बिचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है, इन्होंने पक पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुज़ूर ने मईशत नहीं दी। क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे? वहाँ उलझाते हो जहाँ नौजवान कहते हैं कि यार तय ही कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएंगे? आपने कौम को किस दौराए पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूं। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे, एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब जुब्बा कुब्बा बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी, उड़ जाएं ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा, नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना, कभी कभी मान जाए करे फ़ायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन, चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया, आए हाय, आप यकीन करें लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के दरवेश समझ के आया उसे सवाब मिल गया, लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो कयामत में मेरी सजा बढ़ जाए, मुझसे मेरा रब पूछ लेगा। वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता तेरे अंदर क्या था। तो वो करीब आया ना वो सूफी दरवेश इल्ला माशाल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी, उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अपना पकड़ तो हमने लिया है, सजा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े खतरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नहीं से नहीं कहानी रोज बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत शेर साहब कहने लगे कि सजा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सजा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सजा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है, बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी। अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है, खिदमतकार है तू शिकारी। ओ ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब मौलवी साहब और बड़े काम है लूटने के लिए, दरवेश बन के तो ना लूट। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फैलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे, क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार,
फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। हज़रत अबू दर्दा ने गर्दन झुका ली, फरमाया यार जहां तू है ना तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशअरी सियाबा में एक बड़े जलील कदर सियाबी हैं और उनकी अजमतें रिफतें बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशअरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू जर गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू जर तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू, तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाइयां हैं। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं पहले बता। तो अबू मूसा अशअरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, इन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है। यार क्या बात करता है तू, मेरे वही है, मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे, ना कर, कुछ नहीं बनाया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला ने रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू जर गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी काफिर इसी पिच हो गया, फिर तस्वी मुसल्ला की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना।